आज हम लोग यहाँ पे नाइट कैंपिंग करेंगे और यहाँ से नीचे ये सब जंगल है। अभी एक दो बार आवाज भी बाहर से आई है, पर वो बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आवाज थी कुछ पता नहीं भाई कि भाई यहाँ पे तो लेपर्ड आता है। तो ये सब अंदर रख देंगे ना, फिर कैमरा ऊपर लगाएंगे भाई कि जिससे पता चले यहाँ क्या चीज आएगी रात को। भाई लकड़ी इकट्ठी कर ली है, पता नहीं भाई निकलेगा या नहीं निकलेगा, मगर चलिए भाई ट्राई करते हैं, रस्टी यहाँ से निकल पाएगा या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में एक बार मैं और रस्टी दोबारा फिर आ गए हैं कैंपिंग करने। आज हम लोग करने वाले हैं नाइट कैंपिंग। यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सनसेट, जो बस थोड़ी ही देर में होने वाला है। मैंने सब चीज़ रेडी कर ली है, थोड़ा सा और डाउन होने देते हैं, उसके बाद में शॉट लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने सनसेट बहुत ज़बरदस्त था, मगर वहाँ पर कुछ थोड़ी सी अभी धुंध दिखाई दे रही थी, फॉग नहीं होता तो और साफ आता। भैया लोग आए हैं और इन्होंने बताया है कि यहाँ तो सनसेट था और सनराइज यहाँ से थोड़ा कितना आगे भी है, यहाँ से थोड़ा सा जस्ट इधर से थोड़ा सा आगे जाके। जी जी जी, तो भाई वहाँ सनसेट हुआ और यहाँ देखिए ये देखिए चंदा मामा कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ये हैं मुर्गियाँ जिनकी बात हो रही थी, ये रात को आती हैं और भाई इन्हें पकड़ने के लिए ही लेपर्ड भी चले आते हैं। सुंदर सनसेट था कि जिसे देख के बस भाई मैं यहाँ बैठा रह गया और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था चारों तरफ। जैसे अभी सामने भाई सनसेट हुआ है और पीछे जो है वो मून दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई, है तो बहुत छोटी सी जगह मगर बहुत खूबसूरत बहुत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे नाइट कैंपिंग करेंगे और यहाँ से नीचे ये सब जंगल है, तो अगर लेपर्ड दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी मैंने अंधेरा हो गया है, थोड़ी देर पहले मैंने जंगली मुर्गी और मुर्गे ये सब देखे हैं यहाँ पर। ओ भाई खतरनाक है, जंगली मुर्गा जंगली मुर्गी हैं, खरगोश हैं, काफ़ी दिखाई दिए हैं मुझे जहाँ पर मैं टॉप पर आया हूँ। और यहाँ से नीचे डाउन है और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, रास्ते में मैंने हिरन भी देखा यहाँ पर, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद आज लेपर्ड आ जाए। अगर रात में लेपर्ड आता है तो भाई हम तो अंदर होंगे, तब तक हम यहाँ खाना वाना बना लेते हैं और अगर ज़रूरत लगेगी तो आग जला लूँगा। बट मैं आग इसलिए नहीं जला रहा हूँ क्योंकि एक दो जनों ने मुझे ये बात बताई है कि अगर आप आग जला लेते हो तो फिर उसके आसपास लेपर्ड नहीं आता है। तो हम जल्दी से अपना खाना वाना बना के अंदर पैक हो जाएंगे, उसके बाद लेपर्ड का इंतज़ार करेंगे। और एक मैंने इस बार एक चीज़ अपग्रेड करी है, वो है हमारा वीडियो कैमरा जो हमारा नाइट विजन रिकॉर्ड करेगा। तो नाइट विजन कैमरे को हम लगा देंगे छत के ऊपर और भाई अगर इन केस मानिए रात को लेपर्ड आता है तो वो उसमें कैप्चर हो जाएगा
और बस सब कुछ सिस्टम से हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। अब बाकी देखते हैं भाई, रात को गीदड़ दिखाई देता है या लेपर्ड या फिर डॉग दिखाई देता है, वो सब हमें रात को पता चलेगा। उससे पहले भाई लग रही है मुझे भूख बहुत तेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड कर दिया ना, ये यहाँ से एक दो जने आए उनसे बात करने में, फिर उसके बाद नीचे भैया लोग आ गए, उन्होंने बताया कि यहाँ से सनराइज है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तो उसको हम सुबह देखेंगे। और उससे पहले भाई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खाना, उसकी तैयारी करते हैं। आज मैं काफ़ी लेट भी हो गया हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा है आज हम बनाएंगे वो क्या कहते हैं फ्राइड राइस, और जिसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर और एक आलू भी डलेगा। वैसे मेरे चीज़ भी है, अगर चीज़ डालना होगा तो डाल लूँगा, नहीं तो ये तीन चार चीज़ें और एक हरी मिर्च और थी। जैसे ही बस सनसेट हुआ है उसके बाद में ठंड एकदम स्टार्ट। भाई जल्दी से एक आलू छीले, 7 बजा है या 7:30 का टाइम होगा बस, और 7:30 बजे ही पहाड़ में भाई ऐसा अंधेरा हो जाता है, जैसे ऐसा लगने लगता डर लगने लगता है, बताओ कुछ तो नहीं दिख रहा यहाँ, कुछ तो दिखाई दे, अकेले हूँ भाई यहाँ पर, मेरा सोलो तो भाई ऐसे ही होता है, आसपास बिल्कुल बस अकेले अकेले। अभी नीचे गांव से 2-4 लोग भी आए थे तो वो बताने लगे भैया रात को अकेले रुकोगे आप, हर एक किसी की वही हमेशा की तरह टेंशन कि भाई यहाँ पे तो लेपर्ड आता है और जंगली मुर्गे आते हैं, वो तो मैंने खुद देखे भाई जंगली मुर्गे तो, और अभी शायद नीचे को थोड़ा सा देखेंगे, अभी रात को जब हम यहाँ पे सब बंद कर देंगे और कैमरा लगा देंगे तो पूरी उम्मीद है मुझे कि कुछ ना कुछ तो दिखेगा भाई। मैंने घर पे कई चीज़ें संगीता के साथ बनानी सीखी भाई, अब देखिए बिल्कुल शेफ हो रहा हूँ मैं। अरे यार उंगली है कटी हुई और प्याज का लग गया रस। अच्छा भाई पानी भी पास ही में था। और हाँ ये कहाँ रह गया भाई, ये देखो कैसे छुपा बैठा है किनारे, यही तो असली फ्लेवर डालता है भाई, पहले मुझे नहीं पता था यार टमाटर जो है, आप लोग को पता होगा भाई, और नहीं पता है तो भाई टमाटर जो है सब्जी में बहुत ज़बरदस्त रोल है इसका, टमाटर का जो पीली वाली होती है वो हल्दी पड़ेगी, और एक होता है धनिया, हल्दी धनिया नमक मिर्चा, हाँ और ज़ीरा भी डालना है भाई शुरू में। अब भाई ये सब काट दिया मैंने, और क्या चाहिए अब, कुछ नहीं भाई, और बाकी जैसे जैसे रात होती जा रही है तो मुझे भी लगता है कि जल्दी से बना के अंदर भागूं, इसलिए भाई ज़्यादा मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। काउंट योर ब्लेसिंग्स यहाँ टांग दिया है, घूम रहा है मस्त एकदम। मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मगर उससे पहले ये विंडशील्ड लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं। हवा किधर से आ रही है यार, फोन आ गया भाई, पक्का संगीता का फोन होगा। हेलो, हाँ भैया, कुछ नहीं भाई संगीता का ही फोन है। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था ठंड हो रही है, बर्फ गिरी है आसपास। अभी इस समय वो कह रहे हैं कि चांसेस हैं गिर सकती है अगर बारिश हो जाए तो, पर बारिश तो अब है नहीं ऐसी कोई खास। मैं आज बना रहा हूँ फ्राइड राइस। हाँ अच्छा, बना लिया, आ गए तो बनाने। अरे यार सीखा नहीं है मैंने क्या, ऐसा मत कहो यार, कितना बनाया घर में, नहीं बनाया था मस्त, नहीं बना था वो, थोड़े से जल भाई जल गए थे चावल, पर बने बहुत मस्त थे। हेलो, हाँ फोन ही कट गया भाई, नेटवर्क यहाँ पे बहुत कम है, अगर नेटवर्क अच्छा होता इसे सुनाई देता, पर नेटवर्क नहीं है तो इसलिए भाई उतनी साफ आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और बाकी थोड़ा सा जीरा और प्याज, आप लोग को आता ही होगा भाई, मैं तो मेरे लिए तो सब कुछ नया नया है भाई, अभी अभी सीखी है कुकिंग, जो जला भुना सब तरह का बना लेता हूँ। लास्ट वाले व्लॉग में तो मेरी पकौड़ी सब जल गई थी। टाइम है जीरा डालने का, ठंड में यार हाथ भी तो नहीं चलते हैं बिल्कुल। ऑयल को गरम होने दें भाई, बिना गरम हुए ना डालें। चावल रह रहा है जो इसमें डालना है, और आलू डालना है, बाकी नमक मिर्चा और हल्दी,
और अपना जो इसका मसाला है वो रेडी हो जाएगा। मसाले पहचान में नहीं आते हैं फिर और दिमाग खराब होता है। ये हो गया धनिया, पता नहीं क्या है भाई, ये हो गई हल्दी और ये हो गई मिर्चा। अरे अब बस इसमें चावल डालना रह गया अपना। यार चावल मुझे लग रहा मैंने ज़्यादा भिगो लिया यार, एक तो आइडिया नहीं आता है ऐसी हो जाता है। थोड़ा सा बॉयल होता है फिर प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और अपना काम रेडी। फिर भाई जल्दी से अंदर भागेंगे, अंदर बैठ के खाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है तो बाहर बैठ के कोई भाई रिस्क नहीं लेना है। 8 बज गया भाई, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत डेयरिंग भी ठीक नहीं होता है। फटाफट अपने करके अंदर बैठते हैं, पता चल रहा है कोई पड़ी हो जाए कोई। बस भाई सीटी लग गई। सीटी लग जाए फटाफट, ये सब सामान उठा के अंदर रख देंगे भाई, आराम से अंदर बैठ के मज़े से खाएंगे भाई। जब ये सब अंदर रख देंगे ना फिर कैमरा ऊपर लगाएंगे भाई, कि जिससे पता चले यहाँ क्या चीज़ आएगी रात को, क्योंकि बहुत चांस है यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स आने का। अब वो कौन से आएंगे वो भाई जब लगाएंगे यहाँ पर कैमरा तभी पता चलेगा। और बाकी भाई आ जाए लेपर्ड, अभी ना आए भाई, अंदर बैठे हो तब आ जाए, मज़ा आ जाएगा। और बाकी यहाँ मून भी भाई बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ भाई, मून गजब दिख रहा है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अपना फ्राइड राइस बन चुका है, अब बाकी भाई ये गिदड़ विदड़ की आवाजें आवाजें आ रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अंदर चलते हैं। चावल अपना रेडी है, देखिए बस स्टीम पर है, इसे थोड़ी देर छोड़ना भी पड़ता है कि जो सही हो जाए भाई। अब बोल भी नहीं मिल रहा, इतना ठंडा हो गया ना यहाँ पर, अब पक्का माइनस में हो गया होगा टेम्परेचर यहाँ पे। सब चीजें उठा के अंदर सेट करते हैं और फिर अंदर बैठ करके आराम से मस्त करके खाएंगे, फिर मजे से सो जाएंगे। नहीं सोएंगे नहीं भाई, आज तो हमने देखना है भाई वो कैमरा वैमरा लगा के कि बाहर क्या दिखाई देगा हमें भाई। अगर लेपर्ड दिख गया तो मजा है, नहीं दिखा तो भाई कोई बात ही नहीं, आराम से सो जाएंगे। अब भाई 8:30 का टाइम लगभग होने जा रहा है, अपना सब काम रेडी है, अपनी चीजें सब चार्ज हो रही है। यहाँ से मून का भी व्यू बहुत गजब आ रहा है। अंदर आके मैं बैठ गया हूँ और बाहर हो रहा है बिल्कुल डेंस अंधेरा, और जिसमें भाई निकलने की बाहर हिम्मत नहीं है बिल्कुल। और अपना ये देखिए भाई, ये बना भाई चावल, ये देखिए भाई वेज फ्राइड राइस अपना क्या ज़बरदस्त बना है, मतलब लग रहा है कि भाई किसी शेफ ने बनाया है। यार ये कैमरा ना भाई मैंने बहुत चलाने की कोशिश की है, इसे पता नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। पावर बैंक से चल रहा था घर पे, अभी यहाँ पता नहीं भाई क्या हो गया है, सारी लाइटें रेड जल रही थी, अगर ब्लू जलती तो मैं समझता कि चल रहा है, तो अभी भाई कुछ पता नहीं है। और बाकी भाई चम्मच मैंने निकाला नहीं है जिससे मेरे को ये सब चावल को प्लेट में निकालना है। अब भाई कैसे निकालूं ये, तो भाई चलिए अब निकालते हैं, देखते हैं भाई कैसा बना है। वैसे भाई मुझे लग तो बहुत सुंदर रहा है देखने में, भाई एक नंबर है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बनाया है तो एक नंबर कह रहा हूं, पर नहीं भाई सही में अच्छा बना है। थोड़ा सा सॉल्ट कम है मगर अच्छा है, अचार नहीं रखा है भाई, अचार होना था इसके संग तो मज़ा आ जाता, और बहुत अच्छा बना है। और बाकी भाई कैमरा अपना चल नहीं रहा है, अभी एक दो बार आवाज़ भी बाहर से आई है, पर वो बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आवाज़ थी कुछ पता नहीं भाई। ये तो खैर डॉग की आवाज़ है, कोई नीचे गांव में कोई डॉग है उसकी आवाज़ है, पर अभी अजीब सी आवाज़ थी जो मैंने, मुझे लग नहीं रहा था कि ये आवाज़ किस चीज़ की है, तो मैंने सोचा शायद भाई कोई चीज़ है, कोई वाइल्ड एनिमल है या क्या है। कैमरे का यार कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, चल नहीं पा रहा अभी, मैं फिर दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। मैंने सोचा था कि रात को रिकॉर्डिंग करेगा ये भाई, पता नहीं क्या हो गया उसे, अच्छा खासा कैमरा घर में तो फर्स्ट क्लास चल रहा था वाईफाई के साथ, अब यहाँ पे ऐसे वाईफाई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो ये चल नहीं रहा है क्योंकि नेट भी नहीं आ रहा है। और भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, क्या बज गया भाई, भाई 10 बज गया, 10 बजे खाना खा रहा हूँ भाई, और
देखते हैं भाई, मैंने इसलिए भी लेट किया, मैं खाना खा लेता तो मुझे नींद आ जाती। मैंने कहा थोड़ी देर में खाना खाऊंगा तो शायद कुछ दिखा बाहर, तो भाई लोगों को दिखाऊंगा। और चलिए भाई देखते हैं, पहले मैं अपना डिनर करता हूँ, उसके बाद में अगर भाई कुछ रात को दिखता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो भाई सुबह फिर मिलते हैं। अगर यहाँ के व्यूज़ आपको अच्छे लगे हों, सनसेट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और ठंडा बहुत ज़्यादा है, माइनस में है टेम्परेचर यहाँ पर, इसलिए भाई जल्दी से सुबह सुबह भैया एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाई है कि जिससे पी करके थोड़ी सी गर्मी आ जाए शरीर के अंदर, क्योंकि रात को भाई अच्छा खासा ठंडा था। और भाई अभी बाहर का व्यू देखते हैं कैसा है, यहाँ से दिखाई तो दे रहा है। अच्छी सी कॉफ़ी पीने के बाद अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर भाई बाहर का व्यू क्या कह रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए, ठंडी ठंडी सुबह के साथ एक प्यारा सा व्यू। ये पेड़ हमें मिल गया है जो कि सूखा पेड़ है बिल्कुल, और इसके पास में जो है ये सब सूखी सूखी लकड़ी नीचे काफ़ी पड़ी है, इसी को ले जाके वहाँ इकट्ठी करके भाई जलाते हैं, और देखते हैं अगर चाय बना सके तो भाई चाय बनाएंगे, नहीं तो कम से कम हाथ तो सेक ही लेंगे। भाई लकड़ी इकट्ठी कर ली है और सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गए, थोड़ी सी आग जला लें भाई, चाय आए पी ली जाए, कुछ बढ़िया सी चूल्हे की चाय का भी भाई अपना ही मज़ा है। बाकी सामान वामान सब सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, बढ़िया जलाएंगे आग, सबसे अच्छा स्टाइल है भाई, एक सेकंड में आग तैयार। फ्लेम टॉर्च का भाई यही फायदा है, तुरंत आग अपनी रेडी। यार थोड़ा सा दूर हो गया चूल्हा मेरा, थोड़ा सा ऐसे जलेगा, क्या बात है भाई। अब इसमें थोड़ी थोड़ी भाई लकड़ी लगाते रहेंगे, वाह भाई वाह, थोड़ा तब तक भाई इंतजार कर लेते हैं। जब तक अपना पानी आ रही है, अलमारी बार बार खुल जा रही है। सिस्टम से रहना चाहिए ना भाई सामान सारा। अदरक भी लाया हूँ मैं, और अदरक हमारी जैसे हमेशा की तरह आगे रखी जाती है, भाई थोड़ी सी अदरक डालेंगे इसमें, वाह भाई वाह। लकड़ी भी भाई कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ मैं, अंदर से जा कर के जंगल में लेके आया हूँ लकड़ी, थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी चीनी, चीनी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे भाई, आजकल काम बहुत ज़्यादा करना पड़ जा रहा है।
भाई अब चाय का थोड़ा सा मजा लेते हैं। काफी मेहनत भरी चाय है भाई ये मेरी, जिसमें मैं लकड़ी लेके आया हूँ, पत्थर लाया, फिर मैंने यहाँ पे मस्त आग जलाई है और उसके बाद ही ऐसी चाय पीने को मिली। तो भाई गो कैंपिंग, गो कैंपिंग। रात को फ्रेंड्स हमने यहाँ जो ये जगह थी, ये ऐसी जगह है भाई, यहाँ पे कार नहीं आ सकती। बाइक तो शायद लाई जा सकती है पर कार नहीं आ पाएगी, सिर्फ हमारा रस्टी आ सकता है बस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसी लोकेशन है ये, जहाँ पर मैं चढ़ा के लाया हूँ इसको। ये चारों तरफ एक क्लिफ है ऊंची सी, ऐसा रास्ता है भाई जहाँ पे, और आगे जाके और सीधा डाउन है बिल्कुल। ये है भाई मेन जगह जहाँ से कार को लाना थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ से हम वहाँ तक गए भाई, ऐसा रास्ता है देखिए। बहुत अच्छी कैंपिंग करी यहाँ पर और बहुत मज़ा आया, और ठंड बढ़ गई रात को, जिसमें मैं स्लीपिंग बैग इस बार मैं लेके नहीं आया था, तो मेरे पास में सिर्फ ब्लैंकेट था, दो ब्लैंकेट थे जिनको ओढ़ के मैं सोया हूँ, एक पतला ब्लैंकेट था एक थोड़ा सा ठीक था, तो उससे मैंने अपनी रात निकाली है यहाँ पर। लेपर्ड का इंतज़ार भी करते रहे, लेपर्ड तो आया नहीं, जंगली मुर्गी और वो एक दो क्या अजीब सी आवाज़ें तो आ रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको मैं कैप्चर करता कैमरे में। तो भाई ऐसी जगहों पे कैंपिंग करने के लिए भाई रस्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था, या तो मुझे बाइक से आना पड़ता, कार नहीं आ सकती थी यहाँ पर, तो भाई ट्रैक्टर ही आ सकता था। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय, और लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।